इसीलिए सूफी फकीर कहते हैं, देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। जो खुद पे मस्ताना हो गए अपने आप में, सतृप्तो भवती, श्रुति कहती है सतृप्तो भवती, स अमृतो भवती, सतरति लोकांतार्यति। वो तृप्त होता है, अमृत स्वरूप होता है, वो तो तरता है, दूसरों को तार लेता है। कौन तरता है? कि जिसका मोह निर्माण हो गया, संग के दोष को जीत लिया, अध्यात्म में नित्य जिसकी प्रीति, सुख दुख जिसको डिगा नहीं सकते। आज का श्लोक है, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जैसे शरत काल में बादल बिखर जाते हैं, अथवा तो बरसे हुए बादल फिर अपनी अपनी जगह पर अदृश्य हो जाते हैं, अथवा जैसे गंगा जल समुद्र में पहुंचते ही अपने नाम और रूप को समुद्रमय कर देता है, ऐसे ही ज्ञानी जनों की चित्तवृत्तियां उस परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करके अपने द्वंद्वों के स्वभाव को भूल जाती। जैसे जल समुद्र में जाता है तो फिर कहना मुश्किल है कि यमुना का जल है कि गंगा का है, गोदावरी का है कि साबरमती का है, समुद्रमय हो जाता है। दो दिए जला दो और फिर कौन से दिए का कौन सा प्रकाश, ये कहना मुश्किल है। बीच समुद्र बैठ खड़े रहकर ये कहना मुश्किल है कि ये पानी किधर का है, कौन सी नदी का है। ऐसे ही जो अपने आप में अपने बीच में बैठा है, फिर उसको ये नहीं लगता है कि इस विषय का सुख है, उस विषय का सुख है, वो स्वयं सुख रूप है। ओम 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 ओम। शरीर को खोजोगे तो संसार मिलेगा और अपने को खोजोगे तो ईश्वर मिलेगा, और संसार को खोजोगे तो दुख मिलेगा, संसार को खोजोगे तो दुख मिलेगा, शरीर को खोजोगे तो संसार मिलेगा, अपने को खोजोगे तो ईश्वर मिलेगा, और ईश्वर मिला तो फिर बाकी बचा क्या। हकीकत में कृपानाथ आप ईश्वर से अलग हो नहीं सकते और संसार से जुड़ नहीं सकते। कर क्या रहे, संसार से जुड़ने की कोशिश कर रहे और ईश्वर को कहीं दूर मान के आयास कर रहे हैं। मिलेगा भविष्य में, मिलेगा। ईश्वर भविष्य की चीज नहीं है। कर्म आप करेंगे ना, तमे काम करशो ने कर्म करशो, कर्म नु फल भविष्य में मळशे। पण ईश्वर ने नित्य छे, सर्वत्र छे, जे सर्वत्र छे ते अहीं छे, जो सब जगह है वो यहां है, जो सदा है वो अभी है, और जो सब में है वो हम में भी है। आप उसको प्रीति करेंगे तो उसी समय आनंद आएगा। संसार को प्रीति करेंगे तो उसी समय आनंद नहीं आएगा, उसी समय चिंता आएगी, अब क्या करूं क्या करूं। मोटर को प्रीति किया परेशानी चालू हो जाएगी, कैसे लाऊं, नोधाऊ मळशे नहीं मळे, पैसा व्हाइट केटला देखाड़वा, बे नंबर केटला देखाड़वा, ये चिंता चालू हो जाएगी। मोटर को प्यार किया, पत्नी को, पति को, किसी इंद्रिय के सुख की इच्छा किया, उसी समय बेचैनी शुरू हो जाएगी। और अपने परमात्मा को प्यार किया, उसी समय शांति और आनंद आ जाएगी। तो कर्म का फल कर्म अभी करो, और सुख या दुख भविष्य में मिलेगा, बाद में मिलेगा। तीव्र गति से मिले, मंद गति से मिले, लेकिन परमात्मा को प्यार अभी करो तो अभी आनंद। अब परमात्मा से विमुख अभी हो जाओ, अभी परेशानी। श्री राम। ऐसे ही जो परमात्मा प्राप्त महापुरुष हैं, उनमें दोष हो चाहे न हो, लेकिन उनमें दोष दर्शन करो, उनमें अवगुण देखो, बेचैनी उसी समय चालू हो जाएगी, उसी समय पतन, बर्बादी, हष्ट मष्ट शुरू हो जाएंगे। श्री राम। महापुरुष में दोष देखना शुरू करो, उसी समय बेचैनी। उनमें दोष हो चाहे न हो, उनमें दोष देखो, दोष का आरोप करो, चित्त में बेचैनी चालू हो जाएगी,
उसी समय तुरंत नगद तौर नगद धंधा करते हैं, उनके पास नगद धंधा होता है। महापुरुषों में गुण हो चाहे न हो, और आप गुण दृष्टि करो, श्रद्धा भाव करो, उसी समय आपको आनंद आने लग जाएगा। जब महापुरुष महान तत्व में ठहरते तो महापुरुष हैं, जिनका निर्माण मोहजित संग दोष हो गया, जब उनके सानिध्य से तुरंत फल होने लगता है तो वे जिससे महापुरुष जिससे महान है उस परमात्मा के सानिध्य से तुरंत फल हो जाए, इसमें क्या है? उसको पीठ दिया कि बेचैनी अशांति चालू, और सुख के लिए मजूरी चालू और बर्बादी, और उस परमात्मा को पीठ न देकर परमात्मा की तरफ कदम रखे, उसी समय निष्फिक्रता, प्रसन्नता, आनंद, स्वाभाविकता, सहजता, निर्भयता, ये सद्गुण आने लगेंगे। भोग के तरफ जाएंगे तो तुरंत पश्चाताप, घृणा, डर, भविष्य में भारी परिणाम भोगने पड़ते। तो आठ प्रकार के सुख हैं, वो जीव को बांधते हैं। इन आठ प्रकार के सुखों से जो बच गया वो निर्द्वंद हो गया, और उसको असली सुख आ जाएगा। फिर ये सुख तो दिखेंगे सही उसमें बाहर से, लेकिन वो उसमें अटकेगा नहीं, फटकेगा नहीं। पांच तो हुए विषयों के सुख, आंख का, नाक का, मुंह का, कान का, और विकारों का, सेक्स का, स्पर्श का सुख, ये पांच हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तीन सुख है तो कीर्ति का सुख, दूसरा मान का सुख, शरीर का आदर सत्कार हो ये मान का सुख हो, शरीर का यश हो ये कीर्ति का सुख है। ये सात हो गए, और आठवां सुख है शरीर के चैन आराम के वातावरण का सुख। ऐसे चल रही है, सोफा पे सोए हैं, कुणा कुणा गादी है, तकिए हैं, आराम मिल रहा है। लेकिन ये अन्नमय कोष का आराम है सरकार, राम का आराम नहीं है। जय जय।